डॉन ऑफ द डेड मूवी की शुरुआत में हम एक नर्स को देखते हैं जिसका नाम एना होता है, जो हॉस्पिटल में जॉब करने के बाद अपने घर जा रही होती है। अब रास्ते में उसे विवियन दिखाई देती है, जो उसके पड़ोस की लड़की थी। अब कुछ देर बाद एना अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जिसका नाम लुइस होता है। घर आने पर एना काफी थकी हुई थी, इसलिए वो दोनों आज इंटीमेट होने लगते हैं। अब अगले दिन सुबह होने पर लुइस विवियन को देखता है, जो काफी अजीब दिख रही होती है। ये देखकर लुइस उसके पास जाता है, पर तभी वो लुइस को काट लेती है क्योंकि वो अब जॉम्बी बन चुकी होती है। अब ये देख एना लुइस को धक्का देकर किसी तरह डोर लॉक कर देती है। अब लुइस की ये हालत देखकर एना एम्बुलेंस के पास कॉल करती है, लेकिन उसे कोई भी हेल्प नहीं मिल पाती। इस वजह से लुइस की अब वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख एना काफी दुखी हो जाती है, लेकिन तभी लुइस भी जॉम्बी बन जाता है और एना पर अटैक करने लगता है, जिसके बाद एना कार की चाबी लेकर खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है। अब एना काफी ज्यादा डर चुकी होती है। इसके बाद एना डोर के पास जाती है और लुइस को बुलाने लगती है, पर तभी लुइस डोर को तोड़ देता है। ये देख एना विंडो से नीचे कूद जाती है। बाहर आने पर वो देखती है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है और लोग एक दूसरे पर ही अटैक कर रहे हैं। ये सब देख एना अपनी कार लेकर वहां से भागने लगती है। तभी एना रेडियो न्यूज ओपन करती है, जिससे उसे पता चलता है कि चारों तरफ जॉम्बी अटैक कर रहे हैं, इसलिए सभी अपने घर में रहें ताकि सब सेफ रह सकें। खैर, अब एना ये सब देख रही होती है कि तभी एक आदमी उसकी कार छीनने की कोशिश करता है, जिसे एना धक्का देकर वहां से भाग निकलती है। लेकिन तभी उसकी कार क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक पेड़ से टकरा जाती है। अब एना को होश आने पर उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है, जिसका नाम कैनेथ होता है, जो एना पर गन पॉइंट कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि एना भी अब जॉम्बी बन चुकी है। पर जब उसे ये पता चल जाता है कि एना इन्फेक्टेड नहीं है, तब वो वहां से चला जाता है। अब एना उसके पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ दूर आगे जाने पर एंड्री उस पर फायर करने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो दोनों जॉम्बी हैं। लेकिन बाद में एंड्री अपनी गन नीचे कर लेता है। उसके साथ में उसका फ्रेंड माइकल और उसकी वाइफ लूडा भी होती है। अब वो सब कैनेथ को आगे जाने से मना करते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जॉम्बीज थे। इसके बाद माइकल उन सभी को एक मॉल की तरफ चलने के लिए बोलता है। ये सुनकर सभी मॉल की तरफ जाने लगते हैं। मॉल के पास पहुंचते ही माइकल उस मॉल के लॉक को तोड़ने लगता है, पर तभी वहां पर बहुत से जॉम्बीज आ जाते हैं, जो इन सभी पर अटैक करने लगते हैं। फिर किसी तरह उनसे बचकर ये सभी अपने आप को उस मॉल में लॉक कर लेते हैं। अब अंदर जाने के बाद लूडा, एना और कैनेथ वहीं पर रुकते हैं, जिसके बाद माइकल और एंड्री उस मॉल को चेक करने लगते हैं कि कहीं जॉम्बीज अंदर तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई जॉम्बी अंदर आ गया तो इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसी बीच एंड्री एक डोर के पास पहुंचता है, जहां पर उसे एक जॉम्बी दिखाई देता है, जो अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख एंड्री उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ माइकल फ्लोर पर देखता है, जहां पर कुछ ब्लड होता है। ये देख माइकल काफी सावधान हो जाता है और पास रखा एक हथौड़ा लेकर आगे बढ़ने लगता है। आगे जाने पर जैसे ही वो डोर ओपन करता है, तो तभी एक जॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। फिर माइकल और जॉम्बी में फाइट होने लगती है। तभी माइकल पास रखी बांसुरी को उस जॉम्बी के सिर में घुसा देता है, जिससे वो जॉम्बी वहीं पर मर जाता है। इधर लूडा पर भी एक जॉम्बी अटैक करता है, जिसे बचाने के लिए कैनेथ उस जॉम्बी पे हमला कर देता है, जिससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और वो दोनों पानी में ही फाइट करने लगते हैं। तभी एना कैनेथ के गन से उस जॉम्बी को शूट कर देती है। इसके बाद अब वो सब वहां से भागने लगते हैं और लिफ्ट की मदद से नीचे आ जाते हैं। अब नीचे आने पर इन्हें तीन सिक्योरिटी गार्ड गन पॉइंट पर ले लेते हैं, जिनका नाम सीजे, टेरी और बार्ट होता है। इसके बाद वो तीनों गार्ड इन्हें वहां से जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो तीनों काफी डर गए थे। इस पर एंड्री उन सबको बताता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे रेस्ट की जरूरत है। ये सुनकर सीजे उनसे कहता है कि तुम सभी को अपने हथियार मुझे देने होंगे, तभी तुम सब यहाँ रुक सकते हो। इस पर वो सभी अपने हथियार सीजे को दे देते हैं। अब ये सब न्यूज देखने लगते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि उस शहर के हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, और इनको ये भी पता चलता है कि जॉम्बी के सिर पर अटैक करने से ही वो जॉम्बी मरते हैं। इसके बाद एंड्री को पता चलता है कि उसके वाइफ को किसी जॉम्बी ने काट लिया है, लेकिन वो इस बात को किसी से भी नहीं बताना चाहता है, क्योंकि इससे मुसीबत खड़ी हो सकती थी। जॉम्बी की लड़ाई में उसका हाथ भी काफी जख्मी हो गया था, इसलिए एना उसका इलाज करने लगती है। इधर सीजे पानी में मौजूद जॉम्बी को शूट कर देता है, जिसके बाद वो सब मॉल की छत पर चले जाते हैं और वहां पर हेल्प के लिए लिखने लगते हैं, ताकि कोई रेस्क्यू टीम यहां से गुजरे तो उन सबको पता चल जाए। अब सीजे सामने वाले फ्लोर पर देखता है, जहां उसे एक आदमी दिखाई देता है,
है जिसका नाम एंडी था और वो एक गन स्टोर का ओनर होता है। अब वो भी हेल्प मांगने लगता है क्योंकि नीचे बहुत सारे जॉम्बीज थे। खैर अब इन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो वहीं से गुजर रहा होता है। इसे देख ये सभी काफी खुश हो जाते हैं और हेल्प मांगने लगते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वाला इनकी बातों को नहीं सुनता और आगे निकल जाता है। इसे देख सब वहाँ से नीचे आते हैं जहाँ पर सभी लोग अब सोने लगते हैं। अगले दिन सुबह होने पर यहाँ का टाइमर अपने आप ओपन हो जाता है, जिसे देख सीजे टेरी को उसे बंद करने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर भेजता है। फिर जब टेरी ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचता है तो एना उसे देख लेती है। दरअसल सीजे ने उन सभी को एक लॉकर में बंद किया था। तभी एना टेरी से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, इसलिए वो टेरी को डोर ओपन करने के लिए बोलती है, जिस पर टेरी बिना सीजे से पूछे ही डोर ओपन कर देता है। इसके बाद टेरी उस टाइमर को बंद कर देता है, पर तभी उसकी नजर सीसीटीवी फुटेज पर पड़ती है जिसमें वो देखता है कि एक ट्रक में कुछ लोग फंसे हुए हैं जिसका पीछा बहुत सारे जॉम्बीज कर रहे होते हैं। ये देख वो तुरंत उन सभी को मॉल के छत पर चलने के लिए बोलता है। अब सभी छत के ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद एना उन सबसे कहती है कि हमें उन्हें बचाना चाहिए, जिस पर सीजे उसे मना कर देता है क्योंकि वो कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहता था। इस बात को लेकर ये सब आपस में बहस करने लगते हैं। अब सीजे काफी गुस्सा हो जाता है और टेरी को उन्हें सूट करने के लिए बोलता है, लेकिन टेरी ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर सीजे उस पर भी गुस्सा हो जाता है और टेरी के ऊपर गन पॉइंट करता है। अब इसी बात का फायदा उठाकर माइकल और केनेथ उन दोनों से गन छीन लेते हैं। अब टेरी भी इन सभी का साथ देने लगता है। इसके बाद माइकल और केनेथ उनका गन लेकर बाहर उस ट्रक वाले की मदद करने के लिए जाते हैं, पर देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज आने लगते हैं जिन्हें ये सूट करने लगते हैं। पर किसी तरह उन सभी को बचाकर ये लोग अंदर आ जाते हैं, लेकिन अब उसमें एक मोटी औरत काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी जिसका इलाज करने के लिए वो सब उसे एक रूम में ले जाते हैं। इधर केनेथ और एंडी एक दूसरे से दूरबीन द्वारा बात करने लगते हैं, जिससे इन दोनों में काफी दोस्ती भी हो जाती है। उधर माइकल और केनेथ जिन आदमी को अंदर ले आए थे उनमें से फ्रैंक नाम के एक आदमी को भी जॉम्बी ने काट लिया था। ये देख एना फ्रैंक को बाइंडिंग लगाने लगती है। इधर उस मोटी औरत का एना इलाज कर रही थी, तभी उसके पास टेरी आ जाता है और वो एना को बाहर भेज देता है। अब टेरी उसके पास बैठा होता है, तभी वो मोटी औरत जॉम्बी बन जाती है, जिसे देख ये सब वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एना उसके सिर पर एक रॉड से हमला कर देती है, जिससे वो औरत वहीं पर मर जाती है। इसके बाद एना माइकल और केनेथ को भी ये बात बताती है। अब इन्हें ये समझ आ जाता है कि जॉम्बीज जिन भी लोगों को काट रहे हैं वो सब जॉम्बी बन जा रहे हैं। ये सब सुनकर माइकल फ्रैंक को मारने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि फ्रैंक को भी जॉम्बी ने काटा था। लेकिन एना उसे रोकने की कोशिश करती है। अब जब निकोल को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि जॉम्बी ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। अब केवल उसके फादर ही बचे हुए हैं, इसलिए वो अब उन्हें भी नहीं खोना चाहती थी। ये सुनकर माइकल काफी इमोशनल हो जाता है और वो फ्रैंक को नहीं मारता, लेकिन फ्रैंक उन सब की बात को समझ जाता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन केनेथ वहीं पर खड़ा होकर उसके मरने का इंतजार करने लगता है और उसके मरने के बाद उसे सूट कर देता है। इसके बाद ये सब एक साथ रहने लगते हैं, जिससे इन सभी के बीच काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। इसके साथ साथ एना माइकल को पसंद करने लगती है। अब सब लोग आपस में काफी घुल मिल चुके थे, पर तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, जिससे सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। उधर लूडा को एंड्री बेड में बांध देता है, क्योंकि अब उसका इन्फेक्शन भी बढ़ने लगा है और उसकी डिलीवरी भी होने वाली थी, पर ये बात वहाँ पर मौजूद किसी को भी नहीं पता थी। इधर सीजे उन सभी को बताता है कि नीचे पार्किंग एरिया में इमरजेंसी जनरेटर है। ये सुनकर केनेथ और माइकल सीजे और बार्ट के साथ नीचे जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर उन सभी को किसी चीज के होने का एहसास होता है, जिसे देख ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं। पर तभी इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक छोटा डॉग है, लेकिन किसी वजह से वो डॉगी परेशान लग रहा था। तभी वहाँ पर एक जॉम्बी आकर बार्ट पर हमला कर देता है। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज आने लगते हैं, जिसे देख ये सब वहाँ से भागने लगते हैं। आगे जाने पर ये सभी लोग खुद को एक लॉकर में लॉक कर लेते हैं, पर वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज आ गए थे, जिसे कंट्रोल कर पाना अब मुश्किल था। तभी माइकल वहाँ पर पेट्रोल छिड़कने लगता है, जिसके बाद सीजे उसमें आग लगा देता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी जॉम्बीज जलकर मर जाते हैं। इधर एंड्री की वाइफ लूडा मर जाती है, जिसे देख एंड्री काफी दुखी होता है, क्योंकि उसका बच्चा भी अब बाहर नहीं आ पाता है। पर तभी पेट के अंदर बच्चा हलचल करने लगता है, लेकिन उसी समय लूडा जॉम्बी बन जाती है और उस बंधे हुए रस्सी को तोड़ने लगती है। अब कुछ देर बाद लूडा अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन तभी वहाँ पर नॉर्मा आ जाती है और लूडा को करके मार देती है। ये देख एंड्री काफी गुस्सा हो जाता है
जिसके बाद एंड्री और नॉर्मा दोनों एक दूसरे को शूट करके जान से मार देते हैं। अब गोली की आवाज सुनकर वहां पर बाकी के सभी लोग आ जाते हैं। इसके बाद एना एंड्री के बच्चे को देखती है जो कि एक जॉम्बी बन चुका था, जिसे देख एना उसे शूट करके मार देती है। अब ये सभी लोग यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। इनका प्लान होता है कि ये लोग दो ट्रक को अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे, जिसकी मदद से ये लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, जिसके बाद ये सभी आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। अब प्लान बनने के बाद सभी मिलकर ट्रक को कस्टमाइज करने लगते हैं। अब काफी मेहनत करने के बाद इनका काम सफल होता है। उधर कैनेट को पता चलता है कि उसका फ्रेंड एंडी अब भूखा है, क्योंकि उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। इस बात से सब काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन सबका वहाँ जाना बहुत मुश्किल था। तभी कैनेट की नजर निकोल के डॉगी पर जाती है, जिसे ये लोग बेसमेंट से लाए थे। इसके बाद ये सब डॉग के पीछे कुछ खाने का सामान बांध कर उसे नीचे उतारने लगते हैं। अब डॉगी एंडी के घर जाने लगता है, लेकिन उस पर एक भी जॉम्बी अटैक नहीं करते। ये देखकर वो सब काफी खुश होते हैं। अब जैसे ही एंडी डॉग को अंदर आने के लिए डोर ओपन करता है, तो तभी बहुत से जॉम्बी उसके घर के अंदर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से डॉगी वहीं पर फंस जाता है। अब माइकल एंडी से कॉल करके पूछता है, तो इस पर एंडी उसे बताता है कि जॉम्बी ने उसे भी काट लिया है। अब डॉगी को वहां फंसा देख निकोल उसे बचाने के लिए एक ट्रक लेकर निकल जाती है, जिसे देख सभी लोग काफी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि नीचे बहुत सारे जॉम्बीज थे। तभी कैनेट देखता है कि एंडी भी अब जॉम्बी बन चुका है, जो निकोल पर हमला करने लगता है, जिससे बचकर निकोल खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। अब ये लोग उसे वहां से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद ये लोग अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर सड़क पर निकलते हैं। लेकिन तभी इन पर कुछ जॉम्बीज अटैक करने लगते हैं, जिसे कैनेट शूट करने लगता है। इसके बाद ये लोग किसी तरह जॉम्बीज से बचकर स्टोर के अंदर चले जाते हैं और वहां से सभी लोग गन लेने लगते हैं। अब इन सबको वहां पर एंडी भी मिल जाता है, जो कि अब एक जॉम्बी बन चुका था। वो निकोल को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तभी कैनेट उसे शूट करके मार देता है, जिसके बाद निकोल अपने डॉगी के साथ बाहर आ जाती है। अब ये सब उसे बचा लिए थे, जिसके बाद अब इन सभी को वहां से बाहर जाना था। लेकिन जिस जगह से ये लोग आए थे, अब वहां पर बहुत सारे जॉम्बीज आ गए थे। ये सब देख सीजे को एक आइडिया आता है, फिर वो उस जगह पर एक सिलेंडर फेंक देता है, जिसके बाद टकर उस सिलेंडर पर शूट कर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां पर मौजूद सभी जॉम्बीज मर जाते हैं। अब इसी बात का फायदा उठाकर सभी किसी तरह अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद सीजे भी वहां आ जाता है। लेकिन इस बीच टकर को जॉम्बीज पकड़ लेते हैं, पर किसी तरह सीजे उसे बचा लेता है। लेकिन अब वहां पर बहुत सारे जॉम्बीज आने लगते हैं, जिसे देख सभी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान जॉम्बीज फिर से टकर को पकड़ लेते हैं और उसे काटने लगते हैं। अब टकर सीजे को शूट करने के लिए कहता है, जिस पर सीजे उसे शूट करके मार देता है। अब जॉम्बीज से बचकर ये सभी किसी सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए ये सभी लोग अपना ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इनके सामने बहुत ज्यादा जॉम्बीज थे, जिसकी वजह से इनका ट्रक आगे नहीं निकल पाता। इसके बाद ट्रक के अंदर मौजूद सभी लोग गन से जॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। अब सीजे ट्रक के ऊपर जाता है, वो एक गैस सिलेंडर जॉम्बीज के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद वो उस सिलेंडर को गन से शूट कर देता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इनका रास्ता भी क्लियर हो जाता है। फिर ये लोग अपना ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये लोग आगे जा रहे होते हैं, तभी एक मोड़ पर ग्लेन उस चैन को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उस चैन से मोनिका की बॉडी कट जाती है। अब इसी सब के चक्कर में इनके ट्रक का एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिसमें ग्लेन की जान भी चली जाती है। अब स्टीव जैसे ही बाहर आता है, तो उस पर एक जॉम्बी अटैक कर देता है। इसके बाद कैनेट और बाकी के सभी लोग किसी तरह बाहर आते हैं और अपना सामान एक दूसरे ट्रक में रख देते हैं। तभी स्टीव भी जॉम्बी बन जाता है, जिसके बाद वो इन पर हमला करने वाला होता है कि तभी एना उसे शूट करके मार देती है। अब एना उसके पास से बोट की चाबी ले लेती है और वहां से भागने लगती है। तभी इतनी देर में वहां पर बहुत सारे जॉम्बीज आ जाते हैं, लेकिन एना किसी तरह उनसे बचकर ट्रक के अंदर चली जाती है। अब कुछ देर बाद ये लोग मैरिना पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग ट्रक से उतर कर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सीजे अभी भी जॉम्बी को रोक रहा होता है। तभी वहां पर बहुत सारे जॉम्बीज आ जाते हैं। अब सीजे एक बड़े गैस के ऊपर फायर कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत तेज ब्लास्ट होता है और उन जॉम्बीज के साथ सीजे भी मर जाता है। अब सभी लोग यहां से भागकर बोट पर जाने लगते हैं, लेकिन माइकल इनके साथ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे एक जॉम्बी ने काट लिया था। ये देख एना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो माइकल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। लेकिन अब ये सब माइकल को छोड़कर आगे की तरफ जाने लगते हैं। आगे जाने पर वो देखते हैं कि माइकल खुद को शूट कर लेता है। खैर, अब इसके बाद हमें एक ग्रुप को दिखाया
दिखाया जाता है, जिन्हें वहाँ पर स्टीव की बोट और उसका कैमरा मिलता है जिसमें उन सभी लोगों की फुटेज होती है। अब ये देख हम समझ जाते हैं कि आगे जाने पर उन सभी लोगों का बोट पलट चुका था, जिसकी वजह से वो लोग भी वहीं मर गए थे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।